केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर बिहार के दरभंगा में मखाना व्यापारी काफी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि उनका कारोबार और बढ़ेगा। फॉक्स नट के नाम से मशहूर मिथिला मखाना को पिछले साल सरकार ने GI टैग दिया था। मखाना व्यापारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से नई पहचान मिलने के बाद उनका कारोबार बढ़ा है। उनके मुताबिक नए व्यापारी बाजार में आ रहे हैं और मखाने की नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। जैसे मखाना में जब से GI टैग लगा है तो नए नए लोग इसमें घुस रहे हैं और घुसने से नई नई फैक्ट्रियां भी लग रही हैं, हमने भी लगाया और भी लग रही हैं। लगने से लोग जो यहाँ से यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम के लिए उनको यहीं पे काम मिल रहा है और जिनको काम यहाँ मिलेगा वो बाहर क्यों जाएंगे। तो ऐसी और भी फैक्ट्रियाँ लगेगी, काम बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो लोग को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा और रोजगार का बहुत बड़ा साधन है मखाना इंडस्ट्री। इससे होता है क्या, रोजगार मेनली ऐसा संस्थान खुलने से लोगों को सुविधा होता है, जो दूसरी जगह नहीं जाने पड़े, यहाँ रोजगार मिल जाएगा, दूसरी जगह कहाँ जाएगा। उसमें फायदा फायदा तो बात की बात है, लेकिन कम से कम लोगों को सुविधा मिलता है, कहीं रोजगार मिला। कुछ व्यापारी बिक्री और ओवरऑल मार्केट ग्रोथ के लिए मखाना की नई किस्मों को डेवलप करने में सरकार से मदद भी चाहते हैं। प्रोसेसिंग में मखाना से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनको एक सब्सिडी के तौर पे एक अमाउंट मिलता है। बिहार सरकार की पॉलिसी है जिसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन का पार्ट है जो बहुत बड़ा पार्ट है, वो बेनिफिट मिलता है। किसानों को उपज करने जो उपज करते हैं उनको प्रति हेक्टेयर जो उनका लागत होता है उसमें 75% का उनको छूट मिलता है, मतलब ग्रांट इन एड मिलता है। बस एक ही चीज़ है, मतलब गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा है, हाँ वो उसमें कर दिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और कैसे एफिशिएंट हो इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। और इसका गवर्नमेंट का एक और चीज़ ये मार्केटिंग जो है मखाने का, केवल रॉ मखाने का मार्केटिंग बहुत अच्छा है, फ्लेवर्ड मखाना धीरे धीरे उभर के आ रहा है, लेकिन इसमें एक प्रयास ये होना चाहिए कि इसमें जो नई नई चीज़ें मखाने से बन सकती हैं उस पर मतलब एक गवर्नमेंट का एफर्ट होना चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। हालांकि मखाना फैक्ट्रियों में काम करने वाले कई मजदूर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फायदा क्या मिलेगा, हम लोग को क्या फायदा मिलेगा, सरकार तरफ से ये नहीं मिलता है कुछ, इसमें तो पैसा लगता है बेसी। हम लोग को मिले तब तो माल अपना किन के रखे, अपना जो पैसा रहता वो किन के रखते हैं, बेचते हैं, लाते हैं, थोड़ा लाते हैं। दरभंगा में मखाना उद्योग से जुड़े व्यापारी आस लगाए हैं कि आगामी बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ऐसी नीतियों का ऐलान करेंगी जो उनके बिजनेस को रफ्तार देंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।